उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल आजम खान ने बीजेपी के उम्मीदवार जयप्रदा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रामपुर से प्रचार के आखिरी दिन अब्दुल्ला ने एक रैली में जयप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा है कि अली भी हमारे हैं, बजरंग बली भी हमारे हैं, हमें अली भी चाहिए, हमें बजरंग बली भी चाहिए, लेकिन अनारकली नहीं चाहिए। रामपुर सीट से सपा प्रत्याशी आजम खान ने अपनी प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार जयप्रदा के खिलाफ कथित रूप से बेहद व्यक्तिगत अभद्र टिप्पणी की है और इसका वीडियो भी सामने आया। हालांकि आजम खान पर इसी वीडियो के नाम पर आजम खान पर इसी तरह के बोल के कारण चाबुक चली थी, चुनाव आयोग ने उन पर रोक लगाई थी, लेकिन इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। लग रहा है विवाद और बढ़ चुका है और चुनाव आयोग के इतने कार्रवाई के बावजूद भी अभद्र तरीके से भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। आजम खान के अलावा यही नहीं रुके, अब उनके बेटे भी इस युद्ध में उतर आए हैं और वे भी जयप्रदा के खिलाफ गलत गलत बयान दे रहे हैं। चलिए ये वीडियो में देख लेते हैं। हालांकि आजम खान सफाई दे चुके हैं, उन्होंने कहा है कि जयप्रदा और आजम खान मामले में आप भूले नहीं होंगे जो 2009 में हुआ था, उसके बाद भी सफाई दी गई थी और अभी भी जो हुआ है उसके बावजूद भी सफाई दी गई। आजम खान रो भी पड़े, लेकिन अब नया विवाद जो उनके बेटे द्वारा खड़ा कर दिया गया है, उन्होंने जयप्रदा को अनारकली बता दिया है। अली भी हमारे, बजरंग बली भी हमारे, अली भी हमारे, बजरंग बली भी हमारे, हमें अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए, लेकिन अनारकली नहीं चाहिए।